सुगंधित फूलों का नाम आते ही खुशबू का एहसास होने लगता है। जब इन्हीं फूलों की खेती से कमाई भी होने लगे तो जीवन भी खुशियों से भर जाता है। सुगंधित फूलों की खेती करके जिला चंबा के विकास खंड तीसा की ग्राम पंचायत सई कोठी के प्रगतिशील किसान लोभी राम और ग्राम पंचायत हरतवास की उन्नत किसान यशवंत सिंह ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि परिस्थितियां जैसी भी हो, कठिन परिश्रम से जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। किसान लोभी राम ने बताया कि वह सुगंधित पौधों की खेती लगभग 22 वर्षों से कर रही है। पिछले 5 वर्षों से लेवेंडर की खेती करके उन्हें जो मुनाफा हुआ है उतना अन्य किसी सुगंधित पौधों की खेती से नहीं हुआ है। लेवेंडर की खेती को जंगली जानवर बंदर इत्यादि खराब नहीं करते हैं और ना ही इसे किसी भी प्रकार के खाद की आवश्यकता होती है। लेवेंडर के फूल तेल नर्सरी के साथ साथ इसके पत्ते भी आमदनी का साधन है। उन्होंने कई लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है। उद्यान विभाग के साथ साथ अरोमा मिशन के अंतर्गत उन्हें लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद मिल रही है। लेवेंडर का तेल निकालने के लिए उन्होंने ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट भी स्थापित किया है। लेवेंडर के तेल की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। लेवेंडर की खेती के साथ साथ उन्होंने गुलाब के पौधों की इंटरक्रॉपिंग भी की है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 20 से 30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। उद्यान विभाग के फैसिलेटर राहुल राठौर ने कहा कि अरोमा मिशन के तहत विकास खंड तीसा में प्रगतिशील किसान लोभी राम लेवेंडर की खेती से काफी मुनाफा कमा रही हैं। इसके साथ साथ अन्य किसानों को भी इस खेती के प्रति अपनी रुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मैं रोहित राठौर, उद्यान विभाग ब्लॉक तीसा जिला चंबा में। इस अरोमा मिशन के अंतर्गत ब्लॉक तीसा में ये लोभी राम जी जो हैं ये काफ़ी इसकी खेती से मुनाफा कमा रहे हैं और इससे ये बाकी दूसरे किसानों और बागवानों के लिए भी एक मिसाल साबित हो रही है कि हम भी इसके इस लेवेंडर की और वाइल्ड मैरीगोल्ड या दूसरे मेडिसिन प्लांट की खेती को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, जिससे कि काफ़ी लोग और काफ़ी किसान और बागवान लाभान्वित होंगे। मैं लोभी राम, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील चुरा से हूँ। मेरे गांव का नाम सई कोठी है। मैं 20-22 सालों से काम कर रहा हूँ एरोमेटिक प्लांट पर, सुगंध पौधों की खेती के ऊपर, और 4-5 साल के बाद मैंने इसकी हर्बल की खेती भी शुरू की। लेकिन जितना प्रॉफिट हमने इसमें कमाया उतना किसी भी फसल में नहीं कमाया। जो कि लेवेंडर एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसको भेड़ बकरियां खाती है, ना तो बंदर खाते हैं, ना तो कोई आदमी चोरता इसको, तो ना तो इसको खाद देना पड़ती है, ना तो इसको कोई केमिकल कोई भी कुछ भी स्प्रे नहीं करना पड़ती है। तो लेवेंडर के फूल बिक जाते हैं, लेवेंडर की ऑयल बिक जाता है, लेवेंडर की नर्सरी बिक जाती है, इसके पत्ते बिक जाते हैं। क्रॉपिंग मैंने रोज़ भी इसमें लगा रहा है। रोज़ का ऑयल आजकल काफ़ी महंगा है, जो कि 20 लाख से 30 लाख के बीच रेट एक किलो का बिक रहा है। 100 रुपये की पौधा बिक रहा है और 40 रुपये में हमारी एक कटिंग बिक रही है 6 इंच की। तो लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी पैसा इस चीज़ में। हम काफ़ी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और साथ में हमारे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर भी सहयोग दे रहा था और अरोमा मिशन के तहत हमें पौधे भी मिल रहे हैं। हमारे फार्मरों को फ्री में पौधे मिल रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। तो हम सारे हिमाचल के ग्रोवरों को काफ़ी जहाँ हमारी पहाड़ी स्टेट हैं, हम इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा चलाने की मांग करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे फार्मर काफ़ी इस ओर ध्यान दें तो काफ़ी पैसा है इसमें। मैंने कई बार हर जगह में जाता हूँ, उत्तरांचल तक हर जगह में, हमारे हिमाचल में सारा हर जगह लोगों को समझाते हैं कि इस खेती को बढ़ावा दें और काफ़ी पैसा कमाएं, और हम कमा रहे हैं। लगभग कोई 25 से 30 हज़ार प्लांट अभी तैयार किया है। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, दूसरी साइड है, और तीसरा ब्लॉक हमारा बैरागढ़ में है, जहाँ लगभग इस वक्त 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी हुई है। हाँ जी, तो इससे हमें काफ़ी अच्छी कमाई भी हो रही है, ना तो इससे कोई नुकसान करता है, ना पशु खाते हैं, ना बंदर वगैरह खाते हैं, और हम इस काम को बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। तो जैसे भी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो
उसका भी हम अनुभव शेयर कर रहे हैं। लगभग 30 से 40 आदमी ये काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग छूट भी गए, लेकिन ऐसे लोग काम कर रहे हैं, 40-50 आदमी काम कर रहे हैं। बाकी फिर हमारा इसमें हम तेल भी निकालते हैं, फूल भी हैं, कलमें भी हैं, पौधे भी हैं, नर्सरी भी है इसका। सबसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी चीज़ बेच जाए, तो हर चीज़ में इसमें कुछ ना कुछ कमाई होती ही है। तो हमें ये जो फूल की फसल है, हम साल में लगभग इसकी 3 फसलें निकालते हैं। फर्स्ट हमारी जून में जो अच्छी फसल आती है वो जून महीने में बिल्कुल भरपूर आती है फसल, उसके बाद अक्टूबर में, और उसके बाद अभी भी जैसे हम आपके सामने खड़े हैं तो हमारी अभी भी थोड़ी थोड़ी ये फसल जो है आ रही है। सर इसमें बस लगभग जब ये हम काटते हैं इसको तो लगभग एक क्विंटल में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक जो है इसका तेल निकलता है। उस तेल की वैल्यू लग से 10 से लेकर 15 हज़ार रुपये प्रति लीटर मिल जाती है, और जहाँ के हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही हमारे प्लांट से ही यहाँ से आकर ले जाते हैं।
लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट।